गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे, और सभी स्वस्थ होने चाहिए, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल मधुमक्खी ने हाथ से खा लिया था तो सूजिश बहुत आ गई थी, आज तो काफ़ी ठीक हो गया, और कल काफ़ी पेन थी तो अब आज मतलब काफ़ी ठीक हूँ। तो आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल एक छोटी सी वीडियो किसी के कमेंट पर। तो उन भाई साहब ने कमेंट किया है, देवेंद्र सिंह ठाकुर है कोई, तो उनको पता नहीं क्या लगा, मेरे को समझ में नहीं आया, ये 17 जून की बात है, अभिषेक का जन्मदिन था और हम बाजार गए हुए थे, वो वाली वीडियो मैंने डाली थी, अपलोड की थी, उस वाली वीडियो में इन्होंने कमेंट किया है। और उसमें दो चीज़ है, हमने किया और इन्जॉय किया है, और मेरे बेटे ने खुद के सेविंग से मुझे सूट लेके दिया है, एक वो है बात है, और एक है अभिषेक का जन्मदिन, और उसने खुद से हमारे को पार्टी करवाई थी, मोमोज पार्टी थी, और मैंने मोमो खाए थे, उन दोनों ने, एक ने थुप्पा एक ने चाउमीन, हम तीन ही थे और बाकी कोई नहीं थे। उनको इस वीडियो में क्या लगा और कैसे लगा, और कमेंट सुनना फ्रेंड्स, आप लोग देखना, मैं कमेंट भी शेयर कर दूंगी, आप लोग पढ़ना। तो उसमें इन्होंने इतने गंदे तरीके से कमेंट किया है, मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो मैंने सोचा, आधा ही कमेंट पड़ा था, मैंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, तो मैंने भी उस कमेंट का रिप्लाई किया, आपका मतलब मैं समझी नहीं तो क्या बोल रहे, सब कुछ तो ठीक से लिखा है, आप समझते कैसे नहीं समझे, ऐसा फिर से उन्होंने रिप्लाई किया। तो उसके बाद मैंने कमेंट को पूरा पढ़ा तो देखा, तो दो कमेंट हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिंक शेयर करने वाली हूँ, आप लोग भी पढ़ना, तो मैं भी पढ़ के सुनाती हूँ। ऊपर वाला देख रहा है, थोड़ा उससे डरो। अच्छा जी, उससे डरो, है ना। तो दूसरा कमेंट लिखते हैं, ये फ्रॉड लोग हो तुम लोग, की हेल्प करने की के बदले उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो, शर्म नहीं आती, टाइम भगवान, टाइम लिखा है, अब क्या लिखना चाहते थे, टाइम भगवान भी देख रहा है, कभी भला नहीं होगा तुम्हारा। तो ये ऊपर तक तो चलो मैं मजाक सोच रही थी, ये कहने का मतलब क्या है उनका, कि भाई हम फ्रॉड कर रहे हैं, क्या फ्रॉड कर रहे हैं भाई, देवेंद्र भाई आप बताएं कि क्या फ्रॉड लगा आपको इस वीडियो में, क्या फ्रॉड किया हमने, और आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। अरे कैसे आप लोग ऐसे नेगेटिविटी कमेंट करते हो, और कैसे तरीके से आप लोग वीडियो देते हो, मुझे तो समझ नहीं आता है। तो वीडियो को पहले अच्छे से देखो, पूरा देखो, उसके बाद कमेंट करना क्या उसमें आपको बुरा लगा और हमने क्या मजबूरी का फायदा उठाया, ये भी बताना आप जरूर। और पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं वीडियो पर, और कैसे कमेंट करते हैं, किस तरह से वीडियो देखते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इस तरह का कमेंट, और मुझे तो काफ़ी हद तक गंदा लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा इनका, जो लास्ट वाला जो था, कभी भला नहीं होगा तुम्हारा, आपके भला या बुरा कहने से हमारा भला बुरा होने वाला नहीं है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते, और किसी का मजबूरी का फायदा भी हम उठाते नहीं है, और खासतौर पर मेरा तो ये है कि मैं किसी के भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाती हूँ। तो आपको इस वीडियो में कहाँ पर लगा आपको मजबूरी का फायदा उठा रहे, ये भी बताना, और देवेंद्र जी, और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताना आपने, और इस तरह का कमेंट आइंदा से ना करें, और वीडियो को अच्छे ढंग से देखें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये वीडियो आप में मुझे बनानी चाहिए थी, नहीं बनानी चाहिए थी, ये जरूर शेयर करना, क्योंकि ये अब जब थोड़ा सा काम बढ़ता जाता है यूट्यूब में, तो शायद नेगेटिविटी कमेंट भी बढ़ते जाते, पहले मैंने सुना था कि वे नेगेटिविटी कमेंट आते हैं, पर मुझे ऐसा विश्वास नहीं था, क्योंकि 2-3 साल से मैं काम कर रही हूँ, मुझे कभी ऐसी इस तरह के कमेंट नहीं आए थे, तो आज फर्स्ट टाइम है, तो मैंने वीडियो बना के डाल दी, मुझे लगा कि वे वीडियो बना के शेयर करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने वाले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि कभी इस तरह का कमेंट ना आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।